गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर रूरल एकेडमी। और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए डेली करंट अवेयर्स। तो आज इसी क्रम में आज हमारी डेट है 13 सितंबर, तो आज का हम यहां पे करंट अवेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है हमें यहां पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आज आपका, फिनटेक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में टेक्नोलॉजी के उपयोग को फिनटेक कहा जा सकता है। सेकंड है यहां पर बैंकों द्वारा फिनटेक के माध्यम से मोबाइल वॉलेट सर्विस लॉन्च की जा रही है। देखिए पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है कि जो फिनटेक है इसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त रूप है और वित्तीय कार्यों में टेक्नोलॉजी के उपयोग को फिनटेक कहा जा सकता है। यानी हम जो लेन देन करते हैं और उसमें हम जो आप देखते होंगे मोबाइल से डिजिटल लेन देन करते हैं उसे हम फिनटेक बोल सकते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिनटेक स्टार्टअप बैंकों के लिए पेमेंट, कैश ट्रांसफर जैसी सेवाओं में काफी मददगार साबित हो रहा है और साथ ही साथ ये देश के दूरदराज के इलाकों में भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और सेकंड वाला कथन यहां बिल्कुल सही है कि बैंक द्वारा फिनटेक के माध्यम से मोबाइल वॉलेट सर्विस लॉन्च की जा रही है। तो सेकंड वाला कथन भी यहां पर सही है। तो यहां आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पूंजीगत लाभ कर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है बैंकों में जमा राशि से प्राप्त ब्याज को पूंजीगत लाभ कहा जाता है। सेकंड है आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार इस लाभ को आय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो आपका आयकर अधिनियम ये है तो इस लाभ को ये कहता है कि इस लाभ को वो आय के रूप में वर्गीकृत करता है ये, ठीक है। थर्ड है यह अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों प्रकार का हो सकता है। देखिए पहला वाला कथन जो है वो गलत है। इसमें यह लिखा है कि बैंकों में जमा राशि से प्राप्त ब्याज को पूंजीगत लाभ कहा जाता है। देखिए किसी पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से, यानी कोई पूंजीगत परिसंपत्ति है, यानी कोई पूंजीगत हमारी परिसंपत्ति कोई संपदा है, तो उसकी बिक्री से जो हमें जो भी लाभ प्राप्त होता है उसे पूंजीगत लाभ कहते हैं। ये आप ध्यान रखना, पूंजीगत परिसंपत्ति की बिक्री से, परिसंपत्ति की कोई बिक्री हो रही है तो उससे हमें जो लाभ प्राप्त होता है, यानी इसकी अगर मान लो बिक्री हुई तो इससे अगर कोई लाभ हमें अगर कोई प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पूंजीगत लाभ। तो पहला वाला कथन तो गलत है। और आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार इस लाभ को आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी पूंजीगत संपत्ति हमने परिसंपत्ति को बेची है और उससे जो पैसा मिला है तो उसे तो ऑब्वियसली बात है हम आय में ही वर्गीकृत करेंगे, तो इसे आयकर अधिनियम यही कहता है। सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड है पूंजीगत लाभ कर अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ये बिल्कुल सही है, पूंजीगत लाभ कर जो है ये अल्पकालिक यानी अल्पकाल के लिए, दीर्घकाल के लिए दोनों प्रकार का हो सकता है। तो सेकंड वाला कथन भी सही है, थर्ड वाला कथन भी सॉरी सही है यहाँ पे। तो सेकंड और थर्ड कथन सही है, तो आंसर है बी, केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है राजस्थान सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है। सेकंड है इस योजना के तहत राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसानों अधिकतम 5 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि वाले को 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से सहायता अनुदान दिया जाएगा। थर्ड, यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी से बोलते हैं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण इंडिया यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसे बोलते हैं हम, के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। देखिए अभी हाल ही में ये राजस्थान सरकार ने नहीं बल्कि आपकी जो झारखंड सरकार है, यानी कि अभी आपकी जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार ने अभी ये योजना जो है लॉन्च की है, झारखंड सरकार ने, ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च की है, ठीक है। और ये 10 अगस्त को योजना लॉन्च की गई थी। तो पहला वाला कथन तो गलत है। सेकंड है देखिए इस योजना के तहत राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास अधिकतम 5 एकड़ तथा तक कृषि योग्य भूमि है उन्हें 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से, 5,000 रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से सहायता अनुदान दिया जाएगा जिनसे उनकी ऋण पर निर्भरता जो है वो कम होगी। यानी ये जो 5,000 रुपए है ये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष है, एक एकड़ पे कितना मिल रहा है 5,000 रुपए, एक एकड़ पे 5,000 रुपए, एक एकड़ से ज्यादा हुआ नहीं, मान लो 2 एकड़ हुई जमीन तो 10,000 रुपए हो गए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। थर्ड है यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंकों किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। थर्ड वाला कथन भी सही है कि इस योजना के सभी योग्य किसानों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 5,000 तथा अधिकतम 25,000 रुपए मिलेंगे। यानी न्यूनतम कितना रखा गया है, न्यूनतम 5,000 रखा गया है, यानी कि ये तो मिनिमम है, मिनिमम है, और मैक्सिमम कितने हैं 25,000 है, ये रखे गए हैं मैक्सिमम, यानी इतनी राशि मिलेगी आपको।
तो यहां पे सेकंड और थर्ड कथन सही है, तो आंसर है सी, केवल दो और तीन। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 2010 के संदर्भ में निम्न कथनों पे विचार कीजिए, यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, इस घोषणा में वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या वर्ष 2022 तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। थर्ड है, इसके तहत ऐसे देश जिनमें बाघों का प्राकृतिक निवास है वैश्विक बाघ पुनः प्राप्ति कार्यक्रम यानी ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम पर सहमत हुए, भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत इसमें शामिल नहीं है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा है 2010 में हुई है, तो इस घोषणा में वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या वर्ष 2022 तक यानी कब तक करनी है, 2022 तक डबल करनी है। बाघों की संख्या हमें 2022 तक डबल करनी है। जैसे हमें किसानों की आमदनी 2022 तक डबल करनी है, ठीक उसी प्रकार से हमें बाघों की भी जो है संख्या है वो भी डबल करनी है, ठीक है। और ऐसे 13 देश हैं इसमें जिनमें बाघों का प्राकृतिक निवास है, यानी इसमें ऐसे दुनिया में 13 कंट्री हैं जिनमें बाघ जो है नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, जिसमें हमारा एक इंडिया भी शामिल है। यानी इंडिया इसमें थर्ड वाला कथन तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है भारत इसमें शामिल नहीं है, जबकि इंडिया में भी प्राकृतिक रूप से बाघ पाए जाते हैं, हिमालय वाले रीजन में बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेकंड वाला कथन तो सही है। और देखिए, इसके तहत जो है यानी कि इसके तहत पुनः प्राप्त यानी इसके तहत जो ऐसे 13 देश जिनमें बाघों की प्राकृतिक निवास है वैश्विक बाघ पुनः प्राप्ति कार्यक्रम यानी ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम पर सहमत हुए हैं। तो देखिए, यहां पे थर्ड वाला कथन सही है, गलत है कि भारत इसमें शामिल नहीं है, यानी भारत तो शामिल है। अब 13 कंट्री कौन कौन से हैं, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम में प्राकृतिक रूप से बाघ पाए जाते हैं, और ये सभी देश वैश्विक बाघ पुनः प्राप्ति कार्यक्रम में के भागीदार भी हैं। तो यहां पर पहला दूसरा कथन सही है, तो आंसर है ए, केवल एक और दो। अच्छा, कमेंट में ये बताना है आपको कि वर्तमान में आपकी जो रिपोर्ट आई है बाघों के संदर्भ में, तो वर्तमान में इंडिया में टोटल बाघों की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया में टोटल जो बाघ हैं ये कितने हैं, टोटल जो आपके टाइगर्स हैं तो ये कितने हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। रिपोर्ट अभी आई है कुछ दिनों पहले, तो वो कमेंट में आपको बताना है, नहीं पता हो गूगल कर लीजिए, गूगल करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव है आपका, आंचलिक परिषद यानी जोनल काउंसिल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहां पर बताना है कौन सा कथन सही है जोनल काउंसिल के बारे में। पहला है, राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन कानून यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत इनका गठन किया गया था, जोनल काउंसिल का, ठीक है। सेकंड है, आंचलिक परिषदों को यह अधिकार दिया गया है कि वे आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े किसी भी मामले पर विचार विमर्श करें और सिफारिशें दें, ठीक है। थर्ड है, ये परिषदें आर्थिक और सामाजिक आयोजना, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे साझा हित के मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दे सकती हैं। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन यहां बिल्कुल सही है कि आंचलिक परिषदें जो हैं ये राज्यों के मध्य और केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृत विरासत के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि राज्य पुनर्गठन कानून जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो इसे बोलते हैं 1956 इसके अंतर्गत जोनल काउंसिल का गठन किया गया। सेकंड वाला है कि आंचलिक परिषदें जो है को यह अधिकार दिया गया है कि वे आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में आपसी हिस्से जुड़े किसी भी मसले पर विचार विमर्श करें और सिफारिशें दें, तो सेकंड वाला कथन भी यहां पर सही है। थर्ड है, ये परिषदें आर्थिक और सामाजिक आयोजना, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे साझा हित के मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दे सकती हैं, तो इस थर्ड वाला कथन भी सही है। यहां पे तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना जरूर करिए, ठीक है, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।